हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज है 14th ऑफ मार्च। फाइनली हमारा ऑफलाइन कॉलेज का पहला दिन आ चुका है। मैं हूँ संकेत, मैं हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर का स्टूडेंट VIT वेल्लोर में। तो देखते हैं VIT वेल्लोर में फर्स्ट डे कैसे होता है मेरा ऑफलाइन कॉलेज में। सो अभी हमारे साथ है अजिंक्य भाई। ये मेरे साथ मेरे व्लॉग्स में बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं क्योंकि इसकी और मेरी लगभग ऑलमोस्ट सभी के सभी क्लासेस एक साथ है। और अभी नाश्ता हो चुका है, 9 बज गए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हमारी क्लास है 11:40 को। ये मुझे थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेगा। तो अभी हमारा अन्ना ऑडिटोरियम में सबमिशन हो चुका है डॉक्यूमेंट्स का। थोड़ा वेटिंग पीरियड अच्छा मीन्स 1 आवर के अराउंड वेटिंग पीरियड था, लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिशन 10 मिनट के अंदर हो गया है। तो अगर आपके पास एकदम करेक्ट डॉक्यूमेंट्स है इस सेट में तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन एकदम सीमलेसली हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। सो अभी बज गए हैं 11:30, हमारी क्लास है 11:40 से हमारी पहली लैब होने वाली है TES की, थर्मल इंजीनियरिंग सिस्टम्स की। तो यही पे पास में GDN ब्लॉक में हमारी लैब है। तो आज हम हमारे इंजीनियरिंग का सबसे पहला लैब एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और मेरे साथ है पीयूष, प्रणव और झील। सो नाउ इट्स 1:15 PM और अभी हमारा लैब खत्म हो चुका है TES का। तो अभी मुझे मेस जाके खाना खाके फिर 2 बजे TT कॉम्प्लेक्स की क्लास में जाना है। तो बहुत ही कम टाइम है, अराउंड 40 मिनट्स का टाइम है मेरे पास। तो देखते हैं, पहला ही दिन है, देखते हैं पॉसिबल होता है या नहीं। सो नाउ इट्स 1:40 और लंच हो गया है, जल्दी जल्दी में खाना पड़ा। तो अभी हमें जाना है TT कॉम्प्लेक्स की क्लास के लिए। इट्स 2:53 और 2 बजे वाली क्लास अभी खत्म हुई है और हमको दौड़ के जाना है MBA में NVVM की क्लास लेने के लिए। तो यहाँ पे हम दौड़ के जा रहे हैं, पहले ही क्लास में लेट हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो लेट सी टाइम पे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं और क्या होता है आगे। यार अभी 5 बजे हैं और हमारी DME क्लास ओवर हुई है। बढ़िया रहा, आगे भी बढ़िया रहे ऐसा विश करते हैं। चलो आगे मिलते हैं। सो नाउ इट्स 5:00 और ये है मेरी लास्ट की क्लास मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन की। लवान छाई बोल दे। हेलो भाई। सो फाइनली आज की पूरी क्लासेस खत्म हो गई है, नाउ इट्स 5:30। सर ने क्लास जल्दी छोड़ दी थी और अभी हम जा रहे हैं मेस में क्योंकि दोपहर को ठीक से खाना नहीं हुआ था। तो अभी जाके कुछ खाएंगे। अभी हम कैंटीन में आए हैं और इतनी ज्यादा मेहनत के बाद, पूरा दिन इधर उधर भागने के बाद हमें ये बर्गर मिला है। तो होप करते हैं कि ये अच्छा ही हो। अभी नाश्ता हो गया है और थोड़ी एनर्जी भी आई है। तो अभी हमने सोचा है कि थोड़े बुक्स जो लेने थे वो लेके आ जाए। पहले हमने स्किप करने का सोचा था लेकिन अभी जरा खाना खा के थोड़ी एनर्जी आई है चाय पी के, तो फिर से लेने जा रहे हैं। अभी हमारे पास 20 मिनट्स है ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाला सबवे बंद होने में, तो तब तक हम बालाजी जाके बुक्स लेके आते हैं। दिस इज द स्मॉल सबवे विच कनेक्ट्स मेन्स हॉस्टल टू TT डायरेक्टली। तो अगर आपकी TT में क्लास है और अगर आप LQ ऐसे ब्लॉक्स में हो तो आप यहाँ से शॉर्टकट ले सकते हो।
सीधे आप टीटी की तरफ जा सकते हो। तो ये छोटे वाले सबवे से निकल के हम सीधा पहुंचे बालाजी बुक स्टोर। तो यहाँ से हमें बुक्स लेनी है, तो हम यहाँ से बुक्स लेने वाले अभी। बुक्स हमने ले ली है, स्टीम टेबल और डिजाइन डाटा बुक लेनी थी। अमेजोन से मंगवाने का सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे 40 रुपए सस्ती मिली, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे। तो हमने यहाँ से ले लिया और जल्दी भी मिल गई, तो 2-4 दिन का फायदा भी हो गया। तो अभी हम हॉस्टल रूम पे जाएंगे और वहीं पे मिलेंगे आपसे। तो अब बज चुके हैं 7:15 और मैं रूम में आ गया हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ। तो मैं बुक्स लेने गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन अच्छा रहा, सो फार सो गुड था आज का दिन। लगा था बहुत थक जाऊंगा इधर से वहां जाने में, लेकिन अच्छा था, इतना थकान नहीं लगा जितना कैंपस टूर करते वक्त या घूमते वक्त लग रहा था, उससे कम ही थकान हुई है आज। तो मेरे हिसाब से अच्छा दिन था। अगर आपका टाइम टेबल लाइट हो और एक ही बिल्डिंग में हो तो मैनेजेबल टाइम टेबल है। मेरा तो भी एक टीटी में है, तो वो एक दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी अच्छा है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। होप सो कि ऐसा ही अच्छा पूरा साल भी चले। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।